महाराष्ट्र प्रदेशाचा अमरावती जिल्ह्यात दुर्गम क्षेत्र मेलघाट अनेक समस्येशी जुझत आहे. कुपोषण आणि गरिबी आदिवासींना सोडत नाही असे दृश्य जिवंत आहे. शासन प्रशासन जनप्रतिनिधी एनजीओ यांनी किती दावे केले तरीही परिस्थिती जिवंत दिसत आहे. सन 1992-93 मधील मेळघाटात कुपोषणची समस्या निर्माण झाली होती. तेव्हा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मेळघाटातील अत्यंत दुर्गम गावकऱ्यांची भेट घेतली आणि मेळघाटातील आदिवासींना समस्यांमधून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने मेळघाटात आदिवासी प्रकल्प विभागाची स्थापना करण्यात आली. आज प्रकल्प विभागाने मेळघाटात अब्जो रुपये खर्च केले, परंतु आजही मेळघाटची परिस्थिती जसे दिसते तसे पाहिले जात आहे. इथल्या गरिबीत राहणारे आदिवासी वर्षानुवर्ष दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर निघाले नाही. आदिवासी प्रकल्प विभागामार्फत योजना चालवण्याचे दावे केले जात आहे, परंतु मेळघाटातील अत्यंत दुर्गम गावकऱ्यांपर्यंत एकही योजना पोहोचत नाही. गेल्या 28 वर्षात कुपोषण, उपासमार, रोजगाराची समस्या मेळघाटात अजूनही दिसून येत आहे. संपूर्ण विदर्भात मेळघाट या नावाची ओळख प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यात आदिवासींच्या हितासाठी काम करण्यासाठी आदिवासी प्रकल्प विभागाचा निर्माण करण्यात आला, परंतु आदिवासींचा 100% समावेश फक्त मेळघाटात दिसून येतो. परंतु प्रकल्प विभागाकडून मेळघाटातील आदिवासींचे विशेष लक्ष दिले जात नाही असा आरोप केला जात आहे. देखिए, जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जब से 92-93 के दशक से हमारे यहाँ पे तुरु काले साहब आमदार थे और उस समय से कुपोषण नामक जो हमारे यहाँ पे एक काली के हमारे मेलघाट पे लगी है, तो उसको देखते हुए शरद पवार साहब ने 92-93 के दरमियान यहाँ पे पीओ ऑफिस की स्थापना की थी. पीओ ऑफिस सिर्फ इसलिए स्थापित हुआ कि ये कुपोषण मेलघाट से भागना चाहिए. और जब पीओ ऑफिस की स्थापना हुई तो आईएएस अधिकारी की नियुक्ति उस पर की गई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चूक है, क्योंकि जो अधिकारी आईएएस अधिकारी है वो उसको ही एसडीओ का भी चार्ज, उप विभागीय अधिकारी का भी चार्ज दिया गया है. और पीओ ऑफिस में जो ऑफिसर आईएएस है वहां पर क्या होता है कि आदिवासी लोग जो है हमारे, उन लोगों को मिलने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि आदिवासी आईएएस अधिकारी का जो एक गरिमा है उसको ये लोग मेल नहीं खा पा रहे. दूसरी चीज, उसके पास में एसडीओ का चार्ज है. एसडीओ एक ऐसी पोस्ट है हमारे मेलघाट के लिए, आम आदमी, आम आदिवासी, चाहे वो गैर आदिवासी हो या आदिवासी हो, एसडीओ से उसको काम पड़ता है, लेकिन वो पोस्ट भी आईएएस को देकर के सरकार आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है. आज 93 से लेकर करीब 29-30 साल बीत चुके हैं. पीओ ऑफिस के नाम पर अरबों रुपए, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों रुपए अनेक योजनाओं पर खर्च हुए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए यहां पर आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है. उसका लाभ दूर प्लेन एरिया से, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, मुंबई हो, पुणे हो, वहां से जो ठेकेदार, वहां से जो कंत्राटदार आ रहे हैं, और जो नान आदिवासी लोग वो ठेका ले रहे हैं, वो सिर्फ पैसे के कारण, पैसा कमाने के कारण यहाँ पे कई बड़े बड़े घोटाले भी उजागर हुई है और आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है. पहले क्या होता था, कुछ वस्तु रूप में आदिवासियों को जो चीजें मिलती थी उसका तो कुछ तो भी लाभ होता था, लेकिन जब से यह ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है और वस्तु खरीदी आदिवासियों को करना पड़ रहा है, जब से आदिवासियों की पूरी योजनाएं खत्म हो चुकी है, आदिवासियों का उससे कोई वास्ता नहीं रह गया है. अब सिर्फ ठेकेदारों का, जो बाहर से आए हुए ठेकेदारों का भला हो रहा है. मेरी एक ही सरकार से विनंती है कि सबसे पहले तो यहाँ का जो एसडीओ की पोस्ट है, उप विभागीय अधिकारी राजस्व, वो एक अलग दी जाए और पीओ अधिकारी जो अलग दिया जाए. अभी पिछले समय में राजकुमार पटेल साहब जब चुनके आए थे, इस विषय में हमने मुख्यमंत्री से लेके सभी लोगों को एक निवेदन दिया है दोनों पोस्ट अलग करने के विषय में, ताकि हम लोग जो कम से कम आदिवासी उप विभागीय अधिकारी के रूप में उनसे मिलने के लिए हमारे आदिवासियों को सोच न करना पड़े. क्योंकि एक आईएएस अधिकारी, पहली बात तो आम लोगों को मिलने की परमिशन नहीं देता, दरवाजे पे वो आदिवासी को खड़े रहना पड़ता है, और हमारे आदिवासियों को खड़े रहने की आदत नहीं है. हमारे आदिवासियों को जैसे हमारे पटेल साहब, आमदार साहब का दरबार झाड़ के नीचे लगता है, वैसा अधिकारी चाहिए जो कि आदिवासियों में जाकर आदिवासियों को पास बुलाकर घुल मिलकर उनका काम करे. आज हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि शासकीय अधिकारी जो भी है वो पिछले 1-2 साल से बहुत ही रिकम्मा हो गया है, और शासकीय योजनाएं, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, उसमें भी
पूरी की पूरी तरह वस्तु रूप देने से मना कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया से कहीं दूर दराज के गांव में कंट्रोल दुकानदारों को भी तकलीफ हो रही है, वहां के लाभार्थियों को भी तकलीफ हो रही है। उसी प्रकार जो मार्केट एरिया है धारनी, धीरे धीरे हाट बाजार जो एरिया बोलते थे वो एरिया भी खत्म हो गया है। उस पर भी SDO साहब ने या PO ऑफिस ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हाट बाजार आदिवासियों के लिए है। वहां पर आज अतिक्रमण धारकों ने इतना बड़ा कब्जा करके रखा है कि हमारे जो आदिवासी व्यापारी है उनकी लूट हो रही है। उनकी जगह जो बाहर से व्यापारी आते थे वो व्यापारियों को भी यहाँ पे जगह नहीं रह गई है, पूरा अतिक्रमण से ग्रस्त हो चुका है। मेरी शासन से रिक्वेस्ट है कि हमारे आदिवासियों का विकास सही में चाहिए तो यहाँ से सबसे पहले तो जो करीब 300 की गिनती में NGO काम कर रहे हैं वो NGO को मेलघाट से हद पार किया जाए और वो उस जगह में हमारे आदिवासियों के हाथों में कमान दी जाए। स्थानिक मेलघाट के नान आदिवासियों के भी हाथ में यदि कमान दी जाती है तो भी मैं समझता हूँ कि हमारा विकास आदिवासियों का हो सकता है। आदिवासी ग्रामस्थांना योजनांविषयी कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली जात नाही आणि आजही मेळघाट दारिद्र्य रेषेत जगत आहे। आदिवासी विभागाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून मेळघाटात कुपोषण आजही जिवंत दिसत आहे। धारणीहून सिटी न्यूज प्रतिनिधी शकील अहमद।